अखिलेश यादव के माता पिता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का आज तक पर। सबसे पहले माता जी आपका रुख करेंगे। मैम, आपको पता था कि एल्विश इस तरह के कारोबार में लिप्त है, वो जहर सप्लाई करता है, और अगर हाँ तो क्या आपने कभी उसे रोकने की कोशिश की? पहली बात मैडम, मेरा लड़का बिल्कुल निर्दोष है, अरे इन चीजों की किसी भी चीज में वो नहीं है। पर मैम, उसने अपना गुनाह कबूल लिया है, लिखित में स्टेटमेंट दिया है जिसमें उसने कहा है, और कई ऐसे वीडियोस हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं, जिसमें वो सांप के साथ दिखाई दे रहा है, वो इन पार्टीज में दिखाई दे रहा है, और उसने खुद ये बात मानी है कि वो वहां पर जहर सप्लाई करता था। नहीं मैडम, उसने कोई ना ऐसा कोई काम किया है ना कभी करेगा। और दूसरी बात, जो ये बातें चल रही हैं, जो भी आप स्क्रीन से उठा के दिखा रहे हो, ये एक सिंगर की वो थी, शूट थी, उसके ऊपर वो गए हुए थे और वहां से एक क्लिप उठाई गई है। पर ये अलग अलग लोकेशंस पर है मैम, एक जगह की नहीं है, ये अलग अलग लोकेशंस की क्लिप है। नहीं मैम, मान लो कोई गाना चल रहा है जिसकी शूट पे गया है, वो उसने की होगी अलग अलग उस पे लोकेशन पे। सुषमा जी, बट जिस तरीके से एल्विश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जाहिर तौर पर पुख्ता सबूत होंगे, सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी हुई है, ऐसे हवा हवाई गिरफ्तारी नहीं हुई है सुषमा जी? नहीं मैडम, बिल्कुल गलत तरीके से सब कुछ हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है, कोई फंसा रहा है उसे? हाँ जी, ये जो है कौन से है, ये एनजीओ वाले हैं, इन्होंने ये किया। बस मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि हर कोई तीसरा बंदा अगर इस तरह से चल पड़ेगा करने के लिए, क्या हम इन्हीं चीजों में उलझे रह जाएंगे क्या? आप ये बताइए कि बच्चे का नाम है, हाई पे चल रही है, जिस हिसाब से कोई भी आके उसका नाम लिखा जाएगा, फिर हम पूरी जिंदगी इन्हीं चीजों में चलते रहेंगे? हमें पता है हमारा बेटा निर्दोष है और बिल्कुल साफ साफ सुथरा लड़का है वो, बस इससे फालतू में और क्या बोलूं इस चीज में। ठीक है, उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया है ना कभी करेगा। ठीक है, राम अवतार जी, बतौर पिता क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपका बेटा इस तरह के गलत कामों में लिप्त है? क्योंकि माँ का मन कई बार नहीं मानता है, लेकिन बतौर पिता आप कई बार ये समझ जाते हैं कि सही राह नहीं है। देखिए, एक अर्श से फर्श तक का सफर एल्विश यादव ने बहुत जल्दी तय कर लिया है। कहां वो इतना बड़ा सुपरस्टार था, यूट्यूब का बादशाह था, और आज जेल की सलाखों के पीछे है। ये से सुन जाएगा, ये से बोलूं जाए लुमाई जी, आपका नाम क्या है मैम? जो आप मेरे इंटरव्यू, नाम क्या है आपका? सोना नेहा जी। नेहा जी, मैं मीडिया की बातें मीडिया से करने आया हूँ। मैं आपके चैनल पे भी देख रहा हूँ सबसे पहले कि जहरीली पार्टी ये टाइटल दे रहे हो, ये पता नहीं कौन लाता है, किस तरह के नाम छपते हैं मुझे नहीं पता। और इसी चीज़ में मैं आज आया हूँ कि हमारी बात सुनी जाए और हमें कहने का पूरा हक है। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे 1000-2000 जन्म लूँ तब भी ये ऐसा ही बेटा चाहिए, पहली बात, जिस पर मैं फख्र करता हूँ। और मेरा बेटा बिल्कुल साफ सुथरा है, बिल्कुल निर्दोष है, इस केस से 1000-1000 लाखों% दूर है, बिल्कुल ये जहरीली सांप ये वो किसी तरह का दिखा, मतलब कहीं भी वो हो जाए तो हम बैठे हैं आपके चैनल में दोबारा आ जाएंगे। किसने क्या किया है सबको सब कुछ पता है, क्यों करेंगे हम ऐसा काम? हमारा फैमिली बैकग्राउंड देखिए आप, जब से बिग बॉस जीता तब से पता नहीं क्यों लोग मतलब हमारे पीछे लगे हुए हैं। क्या आपको लग रहा है क्यों लोग पीछे पड़ गए हैं? क्यों पुलिस ने रेड करी? क्यों वहां पर एल्विश यादव की मौजूदगी थी? रेव पार्टी में रेड हुई है, एल्विश यादव की मौजूदगी थी वहां पर, एल्विश यादव ने खुद अपना गुनाह कबूला है, कल ये बतौर खबर चला है सर, फैक्ट्स को तो आप डिनाई मत करिए ना कम से कम। अरे मैं मिलकर आया हूँ मैडम, कल कोई उससे कोई पुष्टि नहीं करी उसने, और मैं खुद ले गया था संबंध मतलब उसको क्या था उसको मतलब आपको अपने आपके बयान दर्ज किए जाएंगे, आप आइए, मैं और मेरा लड़का दोनों साथ थे हम। अच्छा, तो क्यों फंसाया जा रहा है आपके बेटे को? नहीं मैं सुन लो, हमने लोकेशन भेजी है वहां पे, किसका नाम जी हमें नहीं पता, क्यों फंसाया जा रहा है हमें, वही तो हम आप बताओ ना क्यों फंसाया जा रहा है, हम भी यही जानना चाहते हैं ना कि भाई हमारे बेटे को क्यों किया जा रहा है, और PFM वाले हैं, वाइल्ड एक्ट लगाया है, क्या किया है? ठीक है, आपने FIR पढ़ी होगी, क्या लिखा है उसमें? मैंने नहीं पढ़ी जी FIR, अगर हम FIR पढ़ते और इतने मेरा लड़का और हम निर्दोष मान रहे थे अपने आप को कि भाई हम तो हमने कुछ किया ही नहीं है, इसलिए तो हम चले गए संडे को। चलिए ये इल्जाम अलग कर देते हैं, आप अपने बेटे के कभी बैंक अकाउंट्स देखते हैं, उसके स्टेटमेंट्स देखते हैं, अगर उसमें कहीं से अचानक से बहुत सारा पैसा आता है, आप उससे पूछते हैं कहां से आया है पैसा? बिल्कुल पूछते हैं जी। तो आपको कभी नहीं लगा कि इनअप्रोप्रिएट फंड्स आ रहे हैं उसके अकाउंट में? सिर्फ यूट्यूब से ही चल रही थी आपका घर?
हाँ जी, नहीं मैं जॉब करता हूँ। हाँ। मैं भी गवर्नमेंट टीचर हूँ। अच्छा, यूट्यूब एलविश यादव के पास कई लग्जरी गाड़ियां हैं, गुड़गांव में उसके पास कई बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, ड्यूप्लेक्स हैं। आपने देखे हैं सर ये सब? नहीं, जो मेरा प्लॉट में घर बना रहा हूँ 57। हाँ। आपको पता है कहाँ से मिला है वो? तो आप, नहीं पता? आपके पास कोई घर नहीं है? एलविश यादव के पास कोई घर नहीं है? नहीं, मैं कह रहा हूँ लग्जरी गाड़ी नहीं है आपके पास? लग्जरी गाड़ी मैडम, लोन पे गाड़ियां। लोन पे गाड़ी है लग्जरी की? लोन पे गाड़ी और लग्जरी। लग्जरी की गाड़ी लोन पर है? हाँ जी, लग्जरी की गाड़ी लोन पर ली है आपने? लग्जरी एक वो है, दो गाड़ियां हमारे पास बस। ठीक है, एक मेरी वैगनार है। ठीक, वो है आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एल्विश यादव जिस तरीके का लाइफस्टाइल जीता है सर, एक आम यूट्यूबर के लिए वो लाइफस्टाइल बहुत मुश्किल है। नहीं, लाइफ चाहे आपके पास लाखों आ रहे हो, लेकिन ये करोड़ों आ रहे थे कि कहां से आ रहे हैं सर? आप कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता, वो बेगुनाह है, वो बेकसूर है, उसे ऐसे ही अंदर कर दिया गया है, उसे कोई एनजीओ फंसा रहा है। सर क्यों एनजीओ फंसाएगा आप बताइए मुझे? एनजीओ क्यों एनजीओ फंसा रहा है? आप तो उल्टी बातें कर रहे हो जिस चीज से। अरे सर, एनजीओ फंसा रहा है तो कोई कारण तो होगा, कारण बता दीजिए। कारण बता तो दिया उन्होंने कि भाई ये वो जो क्लिप उठा के लाए कि ये तो ये काम करता है, इसके सांप गले में है, ये वो उससे। वो सिर्फ एक वीडियो से लिया गया है? वीडियो से लिया क्या गया? वो सिर्फ वीडियो से लिया गया है? बिल्कुल वीडियो से लिया गया। क्या उसमें अलग अलग लोकेशंस नहीं है? लोकेशन अलग अलग गाने सेट होते हैं, वो जो हमारे जो ये वीडियो बनाते हैं उसमें भी अलग अलग जगह से होते हैं। मैं कैसे मान लूं इस चीज को? आप मतलब हम आपसे मिलने आए हैं कि भाई वीडियो ऐसी ना चलाए खबरें, आप उल्टा हमें वो कर रहे हो कि भाई सर क्या मैं करता है? नहीं, आपका पक्ष जान रही हूँ। पक्ष बिल्कुल मेरा, बिल्कुल ये पक्ष है जी। आप ये कह रहे हैं कि एलविश यादव बेगुनाह है? आपने हाँ बिल्कुल बेगुनाह है, 1000% लाख % बेगुनाह है। मेरा प्लॉट जमीन के बदले मिला हुआ प्लॉट है मेरे को, वहाँ कहाँ प्लॉट खरीद सकते हैं? उसके नाम और कोई प्रॉपर्टी नहीं है? ठीक, कोई फ्लैट नहीं है, कोई प्लॉट नहीं है उसके नाम, कोई लग्जरी गाड़ी नहीं है? लग्जरी गाड़ी उसे बताई, दो गाड़ी है, मतलब एक तो फॉर्चुनर लग्जरी में आती है, क्या फॉर्चुनर सब लिए घूम रहे हैं लग्जरी तो शायद आप सर उसके पास एक स्पोर्ट्स कार है, और वो स्पोर्ट्स कार एक लग्जरी कार है जो आमतौर पर कोई भी आदमी लोन पर नहीं लेता है। वो अपनी वीडियो के लिए लेता है, हायर करता है यार दोस्तों की। ठीक है जी, सिर्फ हायरिंग पे आती है वो गाड़ी, आप ये कह रहे हैं? रखने के लिए, और उसके बाद वो वापस दे देता है। वो आज तक किसी भी रेव पार्टी में नहीं गया? नहीं गया जी, बिल्कुल भी। एल्विश यादव ने विनर होने के बाद सर क्या काम किया? क्या काम किया जी? अपने एक तो अपने कई वो करता है, मतलब अपनी जैकेट बेचता है अपने नाम से, जो अपना काम धंधा कर रखा है उसने, जो अपने क्या रहती है सर्दियों में कपड़े का काम है उसका, और क्या है, यूट्यूब है और अपनी वीडियोज है, ब्लॉग है। यूट्यूब से कितनी कमाई होती है सर एल्विश यादव की? यूट्यूब से कमाई तो सर बतौर माँ बाप आपको मालूम होगा कि यूट्यूब से कितनी कमाई होती है आपके बेटे की? बताओ, आप बोलो बोलो। हाँ तो जब एल्विश यादव आए ना आपके पास, आप पूछ लेना सर उसकी बात। नहीं एक मिनट, जितनी क्या कोई लग्जरी जो हम कर रहे हैं आपके सामने में बैठी हुई है कि हमने क्या पहना हुआ है, ठीक है, और हमारा लड़का क्या लग्जरी वो सब देखते हैं। ठीक है, आपने इसका मायने ऐसे कर लिया कि वो लग्जरी चीज लाइफस्टाइल जीता है, रही बात, तो वो बिल्कुल अपराधी है, उसको मार, हमारा लड़का बिल्कुल बेकसूर है। तो ये रिक्वेस्ट करने आए ना कि मीडिया ऐसी चीजें ना चलाए, चाहे कोई कुछ भी बोले, कुछ भी बोले जी, कोई हम नहीं मानेंगे बिल्कुल भी। ठीक है सर, आपका बेटा बेकसूर है, निर्दोष है।